हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें 6 सेट हैं, ठीक है? तो हम 6 सेट को लगाते हैं। पहले इसमें लेक्चर में देखेंगे पहला सेट, ठीक है? सेट एक आपको बता दें, ये सभी सेट जो 6 सेट हैं ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 वाली लिस्ट में ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है? उसी में डाल देंगे हम, ठीक? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपको बताना है? पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताओ, याद रखना। इसमें आरिफ अलवी, ठीक है? आरिफ अलवी 2018 में पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है? याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन बच्चों को निम्न रोगों हेतु दिया जाता है, तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है, डिप्थीरिया, काली खांसी और धनु रोग, ठीक है? बच्चों को ट्रिपल एंटीजन या डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टिटस, काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन, बिटकॉइन है तो आपको याद रखना है, बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? चौथा क्वेश्चन है, ईरानी कप 2018 का विजेता है तो आपको याद रखना है विदर्भ, डी ऑप्शन सही है। इसका प्रारंभ 1959-60 में हुआ था, ठीक? सर्वाधिक 28 बार शेष भारत में ईरानी ट्रॉफी का विजेता रहा। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम को 2018 से आगामी 5 साल तक प्रायोजित करने का फैसला किस राज्य की सरकार ने लिया है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा, डी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, छठवां क्वेश्चन, सार्क का सदस्य नहीं है इनमें, तो आपको याद रखना है इसमें मलेशिया नहीं है। सार्क की बात करें तो इस सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई। इसके 7 सदस्य थे, पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव थे। बाद में अफगानिस्तान को शामिल करने के बाद 8 सदस्य हो गए इसमें। सार्क की स्थापना ढाका में हुई थी, कब? 8 दिसंबर 1985 को। सचिवालय कहाँ है इसका? काठमांडू में है, याद रखना। अब जोड़ियां बनाना मिलाना है। सातवां क्वेश्चन, हरित क्रांति तो आपको पता है कृषि से संबंधित है, काला धन तो आपको पता है काला धन अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थशास्त्र, लोहा तो आपको पता होगा उद्योग से संबंधित है, रेड क्रॉस चिकित्सा से संबंधित है, तो इसमें हो गया बी ऑप्शन सही है, ठीक है? आगे आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश ने सबसे पहले पर्यावरण विषय को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो आपको बता देना है महाराष्ट्र, ठीक है? नौवा क्वेश्चन, राफेल विवाद का संबंध है तो याद रखना लड़ाकू विमान खरीद से, ये फ्रांस की विमान कंपनी ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदी के मामले में अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने का आरोप विपक्ष ने लगाकर ये विवाद खड़ा किया था। बात करते हैं दसवां क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो आपको सबको पता होगा सातवां। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान सातवां है। इससे पहले बता दें, रूस पहले नंबर पर, फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर है अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है सबसे पहले ऊपर है रूस, फिर जाइए अमेरिका में तो फिर कनाडा है हमें, ठीक है? फिर है चीन,
रूस के नीचे आइए चीन, फिर जाइए कनाडा, कनाडा के नीचे अमेरिका, चौथे नंबर पर अमेरिका, अमेरिका के नीचे आइए ब्राजील, और फिर ऑस्ट्रेलिया जाइए, उसके बाद भारत आइए, सातवें नंबर पर भारत है। ठीक, फाल्कन हैवी क्या है, 11वां क्वेश्चन, तो आपको बता देना है रॉक, यह है रॉकेट। ठीक है, बारवा क्वेश्चन, सियाचिन है तो आपको पता है हिमनद। बात करते हैं 13वां, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो आपको मालूम होगा गढ़सोपा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गढ़सोपा को सोप्पा को माना जाता था, इसकी ऊंचाई है 829 फीट। यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है, किंतु वर्तमान में, याद रखना, किंतु वर्तमान में कुंची कला झरने को भारत के सर्वाधिक ऊंचाई वाले झरने के रूप में माना जाता है। इसकी ऊंचाई है 1493 फीट। यह अंगोबे के निकट कर्नाटक में स्थित है। ठीक, अंगोबे घाटी भारत के उन स्थानों में से जो भारी वर्षा प्राप्त करती है। विकल्प में गौरसप्पा है, इसलिए गौरसप्पा दे दिया। ठीक, अगर कुंची कला होता तो आपको कुंची कला लगाना था। डेल्टा का मुख्य रूप से कहाँ अधिक है, डेल्टा मुख्य रूप से कहाँ अधिक है, तो आपको याद रखना है पूर्व में। ठीक, भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की अपेक्षा अधिक दूरी तक करती हैं, तय करती हैं, तो आपको याद रखना है पूर्व पश्चिम की ओर नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, 15वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मिलती है, तो याद रखना है आपको खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी अनूपपुर जिले से निकलकर गुजरात के भरूच के निकट अरब सागर की खाड़ी खंबात में जा गिरती है। ठीक, 16वां क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी है, तो याद रखिए इसमें, इसमें तांबा खेतरी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, तांबा खेतरी है। झारिया, झारिया अपने कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, और सिंहभूमि एक छोटा नागपुर के पठार पर झारखंड के दक्षिण भाग में स्थित है, खेतड़ी तांबे के लिए। ठीक है, याद रखना। 17वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, तो आपको पता होगा गोवा। 3702, 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ही गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, याद रखिए, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर एमपी है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। ठीक, याद रखना। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,552। आठ 252 है, याद रखिए, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक, और राजस्थान का कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, याद रखना है आपको निवाड़ी, आपको बता दें भी, 1 अक्टूबर 2018 में
बावनवा जिला बना है निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके। तो अब क्षेत्रफल में सबसे छोटा निवाड़ी जिला है और जनसंख्या के मामले में भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत किया गया? तो याद रखना है मंत्री परिषद संदेश प्लान से। ठीक है, संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत रखा गया था। 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से एक नहीं है? तो याद रखना संस्था बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, सहयोग की समानता, देश की अखंडता बनाए रखना, व्यक्ति विशेष को सम्मान से जीवन जीने देना, सभी है डी ऑप्शन नहीं है। 21वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम संस्थापन सम्मेलन मार्च 2018 में कहाँ संपन्न हुआ? तो आपको याद रखना दिल्ली। 22वां क्वेश्चन, बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक व कान से रक्त स्राव होता है क्योंकि रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, अधिक ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है लेकिन रक्त दाब पूर्ववत बना रहता है, इस दाबांतर के कारण नाक व कान से रक्त स्राव होता है। 23वां क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? तो आपको याद रखना है ग्राम सरकारों में महिलाओं व कमजोर वर्गों को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। 24वां क्वेश्चन, अनुसूचित भाषाओं में है? तो आपको याद रखना है कन्नड़ सिंधी और उड़िया। ठीक है, आपको बता दें वर्तमान में 12 अनुसूचित भाषाएं, मूल संविधान में अभी 22 अनुसूचित भाषाएं। ठीक है, याद रखना मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी हैं ये 22 भाषाएं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, डोगरी, बोधी, संथाली। ठीक, आगे बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन, एकाधिपत्य का मतलब है? तो याद रखिए इसका है सरकार का अधिकार। 26वां, सम्मिलित करना है तो याद रखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यसभा उपसभापति, तो ये राज्यसभा द्वारा चुने गए होता है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, तो याद रखिए कि लोकसभा सभापति द्वारा, सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324(2) के तहत राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते तथा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का सभापति नियुक्त करता है, स्पीकर। ठीक, 27वां क्वेश्चन, केंद्र व प्रांतों के अंदर आर्थिक वितरण इनमें से किस एक की सिफारिश पर होता है? तो आप सभी को पता होगा वित्त आयोग। संविधान एक अनुच्छेद 280 के अनुरूप गठित वित्त आयोग केंद्र व प्रांतों के अंदर आर्थिक वितरण की सिफारिश करता है। 28 क्वेश्चन, जायदाद की खरीदारी व रखने का मूलभूत अधिकार है? तो आपको याद रखना है एक अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय को। तैरने की कौन सी शैली सबसे तेज गति देती है? तो याद रखना है फ्री स्टाइल। 30वां क्वेश्चन है, ठीक है, 30वां क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, सुमेल करना है इसमें। ठीक है, सुमेलित करना है, सूची एक है खिलाड़ी है और देश है। ठीक है, तो लियानेस मिस्सी कहाँ से है? ये है अर्जेंटीना। ठीक है, रोनाल्डो ये है पुर्तगाल से।
नेमार ये है ब्राजील, मावापे माबापे ये फ्रांस से, ठीक याद रखिए। लियानेस मिस्सी कहाँ से है आपको सबको पता है, अर्जेंटीना। रोनाल्डो ये पुर्तगाल, नेमार ब्राजील, मापापे फ्रांस। 31वां क्वेश्चन, अभ्रक धातु का उपयोग इस उद्योग में नहीं है, तो आपको पता है इस्पात उद्योग में। अगला है, बहरीन ओपन 2018 को जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं, तो आपको याद रखना है ये धार से है, डी ऑप्शन से। याद रखिए सुधीर वर्मा को इनके पिताजी हैं प्रियांशु राजावत। बहरीन ओपन 2018 को जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत धार के, समीर वर्मा और सौरभ वर्मा दोनों ही धार ही के ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दोनों भाइयों ने मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में पहचान दिलाई है। इनके पिता श्री सुधीर वर्मा बैडमिंटन कोच हैं किनके, समीर वर्मा और सौरभ वर्मा के, जिन्हें 2018 में मध्य प्रदेश शासन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के से सम्मानित किया है। ठीक। 33वां क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान का संबंध किससे नहीं है, उन्नत भारत अभियान का संबंध किससे नहीं है, तो याद रखिए शहरी अपशिष्टों का निपटारा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास, जैविकीय उपज प्रोत्साहन, ग्रामीण ऊर्जा प्रगति, तीनों से ऐसे नहीं है, शहरी अवशिष्टों का निपटारे से नहीं है। 34, चार मीनार कब भारत में निम्न खेल के लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना है यह है क्रिकेट। फिर 35, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं सम्मिलित है, तो आपको याद रखना है यह नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से है संबंधित, ठीक है याद रखिए। जो प्रतिवर्ष केरल में आयोजित होती है, ठीक है। रंगास्वामी कप हॉकी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल और थॉमस ये बैडमिंटन से संबंधित है। फिर 36, भारत के कैबिनेट सचिव जो जून 2019 तक पदासीन रहेंगे, तो आपको याद रखना है 36 का है डी राजीव गवा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रबंधन प्रथम संस्थापन सम्मेलन मार्च 2018 को कहाँ संपन्न हुआ, तो आपको याद रखना है 37 का है दिल्ली में, सी ऑप्शन। फिर 38, नेताजी सुभाष चंद्र खेल अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है पटियाला में, सी ऑप्शन है। एनएस के लिए एनएसएस के लिए कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो याद रखना यह 1981 में शुरू हुई थी, यही गलत है। यह राष्ट्रीय युवक केंद्रों के साथ जुड़कर स्वेच्छा से काम करती है, यह कौन सा है 39। उनतालीस का है यह राष्ट्रीय युवकों केंद्र के साथ जुड़कर स्वेच्छा से काम करती है, युवकों के लिए काम करती है, स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों के राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है याद रखिए। अगला है 40, जवाहर रोजगार योजना केंद्रीय सरकार में ने लागू की है, तो याद रखना है आपको 40, गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, बी ऑप्शन सही है, गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के हेतु। 41 क्वेश्चन नंबर, निम्न पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया, तो
याद रखिए 41 आठवीं निम्न पंचवर्षीय बयालीस से आचार्य जगदीश चंद्र बसु का नाम जुड़ो है जुड़ा है किससे, तो आपको याद रखना पौधों का संवेग से संबंध। ठीक है, 43 है भारत ने पहला परमाणु बम भूमिगत विस्फोट कहाँ किया, तो याद रखिए पोखरण में किया था। फिर 44 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने दबा दी, फिर झांसी की रानी कारण है, ये वक्तव्य था का कारण है खा झांसी की रानी व तात्या टोपे के अतिरिक्त राजा जमींदार में से बहुत कम इसमें सम्मिलित हुए, तो आपको याद रखना है 44 का बी ऑप्शन सही है, का खा दोनों सत्य हैं, परंतु का खा का की गलत व्याख्या है। फिर 45 समय अनुसार कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है, तो आपको बता देना है इसमें डी ऑप्शन सही है, क्या है 1928 में साइमन कमीशन आया, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, 1942 में किप्स मिशन आया, 1947 में देश का विभाजन हुआ। ठीक है, याद रखिए 40 क्वेश्चन नंबर 46 है आदि शंकराचार्य अब इनका संबंध बताना है हमें। ठीक है, किनका, आदि शंकराचार्य का, तो धार्मिक अगुवा थे जी, ये धार्मिक अगुवा थे, केरल के रहने वाले थे, आदित्यवाद के प्रतिपादक थे, संस्कृत भाषा में प्रथम फीचर फिल्म है ये सही है डी ऑप्शन है। फिर अकबर को महान कहा जाता है, अकबर को महान कहा जाता है, उसने धार्मिक सहनशीलता थी, इसमें 47 है उसमें धार्मिक सहनशीलता थी, इसलिए कौन जोड़ी सही सम्मिलित है इसमें 48 है, तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, जलियांवाला 1919 में हुआ था याद रखना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, और नौसेना बिंदु 1946 में हुआ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो आपको याद रखना है 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व यानी कि 326 से 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 50 लोग वैदिक धर्म में असंतुष्ट थे, तो आपको याद रखना है यह खर्चीली प्रथाओं बलिदान का धर्म बन गया था इसलिए। 51 क्वेश्चन औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा वर्ग राजकीय पेशे से वंचित नहीं किया गया था, तो आपको याद रखना है पठान राजपूत व मराठे। 52 क्वेश्चन एक सही विकल्प चुनिए, ठीक है 52 का पृथ्वी मार्च 22 और सितंबर 23। ठीक, कुछ दिन और रात बराबर होते हैं बी ऑप्शन सही। ठीक, 53 भारत का सबसे दक्षिणी अंश कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है भारत का सबसे दक्षिणी अंश क्या है, तो 53 का है बेहद निकोबार। ठीक है, फिर 54 संसद संघीय सरकार के वित्त पर निम्न द्वारा नियंत्रक रखती है, तो याद रखिए
डी ऑप्शन इसमें भी सही है। किस किस द्वारा रखती है? चंगन, एस्टीमेट समिति द्वारा, पब्लिक अकाउंट समिति द्वारा, कंट्रोलर एवं कंपालय एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, सीएजी द्वारा, संसदीय सलाहकार समिति द्वारा, सभी द्वारा रखती है। ठीक है, सी ऑप्शन से। फिर 55, वक्तव्य ए है, स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यक्तिगत आय बढ़ी, खा है कारण औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन है सही 55 का ए ऑप्शन, का खा दोनों सही है, का खा की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर 56, गरीबी की स्तर रेखा का मतलब है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 56 का है, न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के नीचे के परिवार। 57, सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए यह केवल आवास है सत्य नहीं। ठीक है, याद रखिए। अंठावन क्वेश्चन, वक्तव्य का, दो वस्तु जिनकी मात्रा समान ना हो यदि एक ऊंचाई से गिराई जाए तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, कारण खा, दोनों वस्तुओं पर एक ही तुरंत वेग काम करेगा। ये ऑप्शन सही है, का खा दोनों सत्य हैं, का खा का सत्यापन है। फिर 59, ऊंची एडी के जूते पहने महिला के पैर रेत में अधिक फंसेंगे जबकि ऊंट के नहीं, कारण? तो आपको याद रखना है, महिला के पैर के नीचे एक इकाई जगह पर दाब अधिक होगा। ठीक है, याद रखिए। फिर 60वां क्वेश्चन, पानी के लबालब भरे, पानी के लबालब भरे बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब गलता है तो? जब गलता है तो इसका 60 का है, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, वह पानी बाहर नहीं निकलेगा। 61, मध्य प्रदेश में ललिमा अभियान कब शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 2016 को, ये ऑप्शन सही है। ठीक, फिर है 62, मध्य प्रदेश सरकार ने झुग्गी बस्ती सुधार से संबंधित अयोध्या योजना कहाँ से प्रारंभ की? सोनकच्छ से। 63, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का नृत्य है? तो आपको याद रखना है कोरकू, ये ऑप्शन सही है। 64, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मंधाता का मेला कहाँ लगता है? यह मेला मंधाता का मेलन ये मंधाता खंडवा में लगता है। कालू जी महाराज का मेला, तो ये पिपल्यार खुर्द खरगोन में लगता है। फिर है मठ घोघरा का मेला, तो ये सिवनी में लगता है। तेजा जी का मेला, तो ये भामापत गुना में लगता है। ठीक है, याद रखना, इसमें बी ऑप्शन है, दो ऑप्शन। ठीक, 65वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2018 से सम्मानित हुआ,
शांति देवी झा, ठीक है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में, ये ऑप्शन सही है 1952। उर्मिला किसकी रचना है? सड़सठ क्वेश्चन नंबर 67, उर्मिला किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है बाल कृष्ण शर्मा, उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नमीन की है, डी ऑप्शन है सर, ठीक। फिर 68वां क्वेश्चन, लोहे की चादरों पर जस्ता चढ़ाने की विधि कहलाती है, तो याद रखिए 68, डी ऑप्शन सही है इसमें, क्या है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है इसमें ग्लेवेनाइजेशन। फिर 69, स्टेबलाइजर का उपयोग टीवी एवं फ्रिज में किया जाता है, ठीक है। प्राप्त वोल्टेज स्थिर रखने हेतु, 70 है, महक जैन है 70 क्वेश्चन नंबर, एक टेनिस खिलाड़ी है, ठीक डी ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक 71, सी ऑप्शन गलत है। तमिलनाडु में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। 72 क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम निम्न प्लांट में होता है, ठीक 72, तो याद रखिए हाइड्रो पावर प्लांट में। वर्तमान में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, 73, वर्तमान में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें बरार हिस्सा हटा दिया गया, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में मराठी भाषा क्षेत्र अलग कर दी, लिए मध्य भारत भोपाल व विंध्य प्रदेश जोड़े गए, जिसमें छत्तीसगढ़ हिस्सा हटा दिया गया, तो आपको याद रखना है 73 का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। 74, 74 मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु नहीं है जस्ता, बी ऑप्शन सही है। 75, श्रीमद भागवत गीता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सी ऑप्शन, 75 का सी है, महाभारत के भीष्म पर्व के संदर्भ में, ठीक। उक्त रचना की गई एक रण क्षेत्र में जो हरियाणा में है, ये सही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के बीच वार्तालाप है, ये भी सही है। और कर्म पर बल देता है, ये भी सही है। क्षेत्रवार, निम्नांकित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, तो आपको याद रखना है क्षेत्र का है हमारा, उपयुक्त सभी, हॉटमेल, रेडीमेल, याहू, उपयुक्त सभी देते हैं फ्री। 76 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो याद रखना है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 78 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन है एक्सेल, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, एक्सेल है। 79 है, 6 अगस्त 2019 के बाद किस स्थिति में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो याद रखना है आपको
संपूर्ण भारत में, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 335A और 370 हटा दी गई है। अब जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो हटा दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। अब सभी वो प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हुए जो अन्य राज्यों पर होते हैं, ठीक। फिर 80 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय हैं, ठीक है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो याद रखना स्पैम। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, राज्य मानवाधिकार पूछ रहा है, याद रखिए, राष्ट्रीय पूछे तो राष्ट्रपति करता है, और अगर राज्य का पूछे तो राज्यपाल, बी ऑप्शन सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक निवारक निवारण अधिनियम 1989 के दिन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड कितना है, तो याद रखनी इसमें है 6 माह। छह माह नहीं, 1 वर्ष है, ठीक, सॉरी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3F के अंतर्गत कोई लोक सेवक SC/ST के विरुद्ध अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष की सजा और अधिकतम असम उस अपराध के लिए तय सजा मिलेगी, ठीक है। 84 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में उत्तरदायी होता है, तो याद रखिए सभी होते हैं, निदेशक, प्रबंधन, सचिव, उपयुक्त, सभी, डी ऑप्शन सही है। इस धारा 14 में कंपनियों द्वारा अपराध दिया गया के संबंध में प्रावधान है, ठीक है। 85 क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, बी ऑप्शन, सरकार सामूहिक जुर्माने की अधिक सूचना केवल ढोल पीट कर देगी, ये गलत है, ठीक। किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना उसकी अर्जी का निपटारा किए बिना नहीं वसूला जा सकता है, सामूहिक जुर्माने के संबंध में राज्य सरकार यह भी तय कर सकेगी कि एक हिंदू अविभक्त कुटुंब ऐसे जुर्माने कितने भाग का संदाय करेगा, सरकार सामूहिक जुर्माने की राशि को वहां के निवासियों के बीच विभाजित कर सकती है, ठीक। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के अनुसार यदि राज्य शासन यह पाती है कि किसी क्षेत्र के व्यक्ति अपराध उसके दुष्प्रेरण या किसी भी रूप से अपराध सहायक है तो राज्य शासन उक्त व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है, उस जुर्माने का विभाजन समय आदि का निर्णय लेती है, पर सरकार को उस क्षेत्र में डोल पीट कर या अन्य प्रकार से सूचना देनी होगी, कोई भी व्यक्ति चाहे तो सक्षम अधिकारी के समक्ष जुर्माने में माफी आदि के लिए अर्जी दे सकता है। 86 क्वेश्चन नंबर, गौतम बौद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप सभी को पता होगा कुशीनगर। 87 क्वेश्चन नंबर, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो आप सभी को पता होगा सी ऑप्शन है तमिलनाडु। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो आपको याद रखना है मंडाना राजस्थान से। 89, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे, तो याद रखना है पटियाला घराना से, डी ऑप्शन सही है, सही सम्मिलित है, तो याद रखिए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित, यही है। बिस्मल्ला खां ये सहनाई से संबंधित हैं, अजमद अली खान ये सरोद से वादक से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिए बिस्मिल्ला खान हरी प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, बिस्मिल्ला खान सरोद
भारत से संबंधित नहीं है। बिस्मिल्ला खान, ये हैं शहनाई से संबंधित। अजमद अली खान, इस हैं सरोद वादक से संबंधित। जाकिर हुसैन है तबला से संबंधित। ठीक है, 91। विदेश का कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल में मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है? तो आपको याद है ए और सी, भीमबेटका और आदमगढ़। याद रखना, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है और आदमगढ़ होशंगाबाद में। ठीक है, 92 क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मध्य प्रदेश कितने जनपद शामिल थे? तो आपको सबको पता होगा, दो। कौन कौन से? 600 BC में महाजनपद काल में मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थे, एक अवंती महाजनपद जिसकी दो राजधानी थी, अवंती की उत्तर भाग उज्जैनी, दक्षिण भाग की महिष्मति। एक चैदी महा जनपद था बुंदेलखंड में, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। 93 क्वेश्चन, ग्वालियर में सासबहु का मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिए, महीपाल ने। चौरानवे, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो याद रखना, उज्जैन में। इसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, उज्जैन के साथ साथ काशी में भी है, दिल्ली में है, उज्जैन में, मथुरा में और जयपुर में भी है वेधशालाएं। ठीक है, याद रखिए। 95वां क्वेश्चन, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही है, 1 जून 1949 को। ठीक है, फिर 96वां क्वेश्चन, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता है था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अंकरा कहलाता था जिसकी राजधानी थी। तो आपको याद रखना है, विदिशा। संतानवे क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में महाधिवक्ता कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, जबलपुर। अंठानवे, मध्य प्रदेश में अब मेयर का चुनाव कैसे होता है? तो याद रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से। नगरी निगम का प्रमुख मेयर कहलाता है तथा सदस्य पार्षद, मेयर नगर पालिका का अध्यक्ष तथा नगर पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्षदों द्वारा चुने जाने कनाडा राज्य शासन ने 2019 में लिया है। ठीक है, तो कड़प्पा सेल में मुख्यतः कौन सा खनिज भंडार स्थित है? तो आपको याद रखना है, हीरा। ये कड़प्पा सेल समूह मुख्यतः पन्ना में पाया जाता है, यहाँ हीरा खनिज का उत्पादन होता है। ठीक है, हीरा में मुख्यतः पन्ना हिनौता से निकाला जाता है। 100वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ पर स्थापित है? रीवा में। ठीक है, गुड़ रीवा में है, गुड़ रीवा। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। ठीक, तो ये पहला सेट था हमारा, जो क्वेश्चन नहीं देख रहा है उन आवाज समझ के हमें ना दिखाने के लिए, तो समझ लेना यार। ठीक है, एडजस्ट कर लेना।